मैक्वेस कैटलिना में आईवर्क यानी पेजेस, कीनोट और नंबर्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज नोट, ये तरीका तमाम एप्पल कंप्यूटर्स के लिए है। आईवर्क को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ऐप स्टोर को लॉन्च करें। बिफोर इंस्टॉलेशन मेक श्योर कि आप अपने ऐप स्टोर में अपनी एप्पल आईडी से साइन इन हों। आईवर्क की इंस्टॉलेशन के लिए आप अपने ऐप स्टोर की सर्च बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट सर्च फील्ड में आईवर्क टाइप करें और अपने कीबोर्ड की इंटर या रिटर्न की को प्रेस कर दें। आईवर्क की तमाम एप्लीकेशंस, पेजेस, कीनोट और नंबर्स सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले हो जाएंगी। आप उन्हें यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आईवर्क इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका यह है कि आप कैटेगरीज पे क्लिक करें और फिर प्रोडक्टिविटी पे क्लिक कर दें। थोड़ा नीचे की तरफ आएं। अब आप फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से कंप्लीट आईवर्क या उसकी कोई इंडिविजुअल ऐप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप उस एप्लीकेशन के सामने बने हुए गेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे गेट की बजाय क्लाउड आइकन बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये एप्लीकेशंस मेरे एप्पल आईडी के साथ मुंसलिक हैं। इसलिए अगर मैं चाहूं तो अपने ऐप स्टोर के अकाउंट में जाकर भी आईवर्क की इन तमाम एप्लीकेशंस, कीनोट, पेजेस और नंबर्स को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकता हूं। यहां ये बात याद रखें कि आपके ऐप स्टोर अकाउंट में सिर्फ वही एप्लीकेशन मेंशन होती हैं जो आपने पहले कभी इंस्टॉल की होती हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन आप इन एप्स को यूज कर सकते हैं। मैकOS कैटलिना और एप्पल से रिलेटेड दीगर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल MZ लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।